नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर्थ और आज का ये वीडियो आपके या आपके किसी पहचान वाले के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। यूं समझ लीजिए कि लाखों की एडवाइस फ्री में दे रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जो सबसे पहली और सबसे कठिन चीज शराब छोड़ते वक्त किसी भी इंसान को जो करनी होती है वो है शराब की तलब या क्रेविंग को रोकना। जब कोई इंसान सालों से शराब पी रहा होता है तो ये तलब किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह इंसानी दिमाग में फीड हो जाती है और दिमाग में एक पैटर्न डेवलप हो जाता है कि तय वक्त या स्थिति में उस इंसान के मन में पीने की इच्छा उठेगी। दरअसल इंसान का लगातार पीना ही इस तलब के बीज को पौधा बना देता है। इस तलब या क्रेविंग की इंटेंसिटी किसी में कम और किसी में ज्यादा हो सकती है, मगर इस तलब को हैंडल ना कर पाना ही एक एडिक्ट के रिलैप्स होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। इसलिए आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीकों की, कुछ ऐसी दवाइयों की और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों की जो आपकी मदद कर सकते हैं इस शराब की तलब से निपटने में। दोस्तों, ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि अगर कोई भी इंसान किसी भी काम को लगातार सालों तक करता रहता है तो उसका शरीर उस एक्टिविटी का आदी हो जाता है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जब भी आपको शराब पीने का मन हो तो एक जग भर के पानी पी लें। इससे पहली चीज तो ये होगी कि कुछ वक्त के लिए आपका पेट भर जाएगा और उसके साथ बड़ी बात ये होगी कि ऐसा करके आप तलब लगने के बाद वाले पैटर्न को ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उस समय आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपसे इस तरह की एक्टिविटी का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा होता है। एक्चुअल में क्या है ना, ये जो तलब उठने का जो बिहेवियर है वो एक लेयर जैसा होता है। ये धीरे धीरे उठती है, बड़ी होती है और फिर शांत हो जाती है। इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपका दिमाग कुछ समय के लिए कहीं और डाइवर्ट हो जाए। एल्कोहलिक एनोनिमस में एक एक्रोनिम यूज होती है HALT, यानी हंगर, एंगर, लोनलीनेस एंड टायर्ड। ये उन परिस्थितियों को बताता है जिसमें क्रेविंग होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, पर इन चारों परिस्थितियों से हमेशा बचे रहने का जो सुझाव है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो एक इंसान की जिंदगी में होता ही रहेगा। लेकिन इसमें से हंगर, मतलब कि खाली पेट न रहने का उपाय आप हमेशा ही कर सकते हैं। इसके साथ आप कम से कम एक ऐसा इंसान का फोन नंबर अपने पास हमेशा रखें कि जिससे क्रेविंग होने पर आप बात कर सकें। आप अपनी तलब को कम करने के लिए दवाओं का सहारा भी ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो तरह की दवाओं के बारे में बताऊंगा। पहली है नेल्ड्रेक्सोन, ये इंडिया में नोडिक और नाल्टिमा ब्रांड नेम से आती है। ये ड्रग डिजाइन किया गया था अफीम के उन रिसेप्टर्स को दबाने के लिए जिनकी वजह से नशा होता है, पर बाद में शोधों से पता चला कि ये ड्रग एल्कोहल पर भी काम करती है। तो ये दवा लेने पर आपको शराब पीने में उतना नशा नहीं होगा जितना कि आपको पहले एक्सपीरियंस होता था। इससे क्या होगा कि एकदम से तो नहीं, मगर धीरे धीरे आपकी जो शराब पीने की तलब है वो कम होने लगेगी, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी तलब धीरे धीरे कम हो। दूसरी दवा है डाइसल्फिराम, ये दवा एल्कोहल से रिएक्ट करने का काम करती है। अगर इस दवा को लेने के बाद कोई इंसान शराब पी ले तो उसको अपनी मम्मी की मम्मी यानी नानी जरूर याद आ जाएगी, क्योंकि इससे शराब पीने वाले इंसान को नौजिया, उल्टी, सिरदर्द ऐसे कई रिएक्शंस होते हैं, पर इस दवा के सीरियस साइड इफेक्ट्स भी कई सारे हैं। इसलिए केवल इस दवा को हाई रिस्क वाले पेशेंट्स को रिकमेंड किया जाता है या इसे उस टाइम यूज करना चाहिए जब इंसान को शराब के टेम्पटेशन वाले माहौल जैसे शादी पार्टी वगैरह में जाना हो। ये दोनों दवा सीधे तौर पर तो तलब को खत्म नहीं करती, पर समय के साथ साथ शराब पीने की इच्छा को कम जरूर कर देती हैं। दोस्तों, कुछ आयुर्वेदिक और घरेलू नुस्खे भी हैं जो आपकी शराब की क्रेविंग को कम कर सकते हैं, साथ ही आपके लिवर के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं, पर आपको इसका असर महसूस करने के लिए इन नुस्खों को कम से कम 45 दिन तक आजमाना पड़ेगा। तो पहला ये है कि हर दिन आप आधा गिलास ताजी अजवाइन का रस और आधा गिलास पानी मिलाकर पिए। ये शराब की तलब को कम करने के साथ ही विटामिन बी का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये लिवर डैमेज को भी रिकवर करने में काफी मदद करता है। दूसरा, आप सुबह खाली पेट एक गिलास छाछ के साथ 4 चम्मच करेले का जूस मिलाकर पिए। वैसे अगर आप चाहें तो 4 चम्मच करेले के जूस को डायरेक्ट भी पी सकते हैं। करेले के जूस से धीरे धीरे हमारे शरीर की एल्कोहल के प्रति सेंसिटिविटी कम होती जाती है, जिसका पॉजिटिव असर शराब की तलब पर भी पड़ता है। ये सारे उपाय आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको एक ईमानदार कोशिश करने की शुरुआत करनी होगी।
दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।